दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप फ्री फायर खेलते हैं और उसमें आप लॉगिन होते हैं फेसबुक से, तो वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे क्या है प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ जाता है, कट हो जाता है, कुडंट रिफ्रेश आ जाता है, कभी कभी वहाँ से एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व फ्री फायर लॉगिन प्रॉब्लम इन फेसबुक या विथ फेसबुक। फ्री फायर फेसबुक से लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करें भैया, ये करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और बाद में अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बताता हूं। दोस्तों आपको क्या करना है अगर आपका फ्री फायर लॉगिन नहीं हो रहा फेसबुक से, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाओगे, फिर यहाँ पे फेसबुक सर्च करनी है। यहाँ पे आप कह रहा आपने फेसबुक लॉगिन नहीं कर रखी है, फेसबुक सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड या अपडेट मारा, अपडेट करना या डाउनलोड करना, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा, जिस भी आईडी से आप फ्री फायर में लॉगिन होना चाहते हैं, ठीक है। उस आईडी से लॉगिन होने के बाद, ठीक है, लॉगिन होंगे उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ घंटे के पास में थ्री डॉट मिल रही होंगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप सेटिंग पे कहाँ क्लिक करना है ध्यान रखना, सेटिंग प्राइवेसी ऊपर है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन खुल गया सेटिंग्स का, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड कोने पे आपको सर्च का एक आइकन मिलता है, ठीक है, उसी पे क्लिक करके सर्च सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चलिए बताते हैं। लिखना है लॉग इन विद फेसबुक, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिस यहाँ पे लिखा हुआ एप्स एंड वेबसाइट्स, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी लॉगिन होगा, ठीक है, ये वाली फेसबुक आईडी आपकी जितनी भी जगह लॉगिन होगी फेसबुक पे, फेसबुक का नहीं सॉरी, फेसबुक तो है ही आईडी, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन में आपकी फेसबुक आईडी जो लॉगिन होगी वहाँ पे यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख जाएगी, ठीक है। बस आपको यहाँ क्या करना है, जितनी भी जगह लॉगिन हो आपकी, जहाँ भी लॉगिन हो आप हटाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जैसे बैटल ग्राउंड में मेरी लॉगिन है तो हम यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, ठीक है, रिमूव पर क्लिक करेंगे हट जाएगी। पबजी मोबाइल में रिमूव है, रिमूव कर देगा हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको हटा देनी है। अब यहाँ पे आप कहेंगे हटाऊँ क्यों, ठीक है, तो हटा देनी होगी, फिर से लॉगिन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से हटा देनी है। यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारी लॉगिन हो जाती है आपकी फेसबुक बहुत जगह, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसे आपको रिमूव कर देना है। यानी कि यहाँ पे पबजी मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमूव करना है, रिमूव कर देंगे तो ये आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई दिक्कत फिर भी आ रही है तो कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना होगा। मिलता हूँ फिलहाल नई वीडियो लेके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।